दोस्तों आरएसए टिकट को लेकर के आज मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, बताऊंगा आरएसए टिकट के बारे में सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। दोस्तों आरएसए टिकट को लेकर के सबसे पहले जो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि अगर उनकी टिकट आरएससी में तो क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज कि आरएससी टिकट होने पे उनको कौन सी सीट दी जाएगी, क्योंकि अगर आप आरएससी में टिकट ले रहे हैं तो उस टाइम आपको सीट एलोकेट नहीं किया जाता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, अगर आपकी टिकट आरएससी में है तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो आपको सीट एलोकेट किया जाएगा वो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ही आपको सीट और कोच नंबर दिया जाता है। दूसरी चीज, आपको सीट कौन सा मिलेगा, तो आरएससी में क्या होता है कि जो साइड डोर होता है वो आपको दी जाती है, वो भी आपको एक सीट को दो लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक साइड लोअर पे दो लोग हैं, तो अगर आपकी आरएससी टिकट है तो आपको भी अपनी सीट किसी और आरएससी वाले के साथ शेयर करनी पड़ती है, और आपको आधे में बैठना होता है, आधे में कोई और आरएससी टिकट वाला, आपको सोना भी पड़ेगा, तो इसी तरीके से हाफ़ और हाफ़ करके सोना पड़ेगा। ऊपर की जो सीट है, जिसकी कंफर्म सीट होती है उसको ऊपर वाला सीट दिया जाता है, और जिनके आरएससी सीट है वो ऊपर वाला यूज़ नहीं कर सकते, उसे कंफर्म सीट वाले को दी जाती है, बाकी जो आरएससी इस तरीके से आधा आधा हाफ़ किया जाता है। दोस्तों आरएससी टिकट पे अगर आप लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कैंसिल करवा सकते हैं, ट्रेन शेड्यूल से आधे घंटे पहले अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो 60 रुपीज़ कट होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगे, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में मेरे इंस्टा आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।